सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। पिछले विगत 18 महीने से हम लोग इस चीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब बाबा महाकाल के दर्शन भस्मारती जो होगी वो दर्शनार्थों के लिए खुलेगी। और आज ये सभी हम सभी लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए और सभी उज्जैन वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम लोग इस महाकाल भस्मारती में सम्मिलित होने का अवसर हमें प्राप्त हो गया है। हम लोगों के लिए शुरू हो गई है। इसके लिए मैं सबसे पहले मंदिर प्रशासन को, यहाँ की समिति को, यहाँ के प्रशासन को, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ की व्यवस्था करी है और हम लोगों को यहाँ पर दर्शन देने की जो व्यवस्था प्रदान करी है वो बहुत अच्छी करी है। साथ ही मैं लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूँ, यहाँ पर आए और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही मंदिर में आए, दर्शन करें, जिससे सभी लोगों को ये सुचारू रूप से दर्शन चल सके और हम यहाँ पर आराम से दर्शन कर सके और सभी लोग इस दर्शन का लाभ प्राप्त कर सके। डेढ़ से दो साल के बाद में जो आज दर्शन हुए हैं वो देख के, अद्भुत नजारा देख के, भगवान के दर्शन करके अति सुख प्रसन्नता मन को हुई है, वो शब्दों में तो बयान नहीं की जा सकता, लेकिन आनंद आ गया। कितना इंतजार था इस दिन का आप लोगों? अब कोविड के पहले से जो दर्शन किए थे वो तो ठीक है, पर कोविड के बाद में जो पहली बार हुए वो तो बहुत सालों से इंतजार हो ही रहा था। जय श्री महाकाल। आज कोविड के बाद भस्मारती का आज से प्रारंभ की गई, जिसमें प्रबंध समिति द्वारा डिसीजन लिया गया था कि 1000 लोगों को परमिशन दी जाएगी, उसी अनुसार आज परमिशन हुई है और लगभग अच्छी व्यवस्था थी, जैसा आपने देखा है, सभी दर्शनार्थी बड़े खुश थे। सर, चूंकि जो है नंदी हॉल और गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिला है और 1000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन दिए हैं, क्या कोई इस तरह से व्यवस्था गड़बड़ी तो नहीं हो पाई और क्या कुछ लोगों ने? नहीं, यात्री पूरी तरह संतुष्ट है और किसी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और सभी ने अच्छे से भस्मारती का आनंद लिया है और सब खुश हो गए। ठीक है।